दोस्तों, इस देश में महिलाओं को शादी करनी है। यहाँ की महिलाएं अपनी बढ़ती उम्र में शादी ना होने के कारण बहुत ज्यादा परेशान हैं। यहाँ के जो पुरुष हैं, वो अपने ही देश की महिलाओं को छोड़कर जा रहे हैं। यहाँ के पुरुषों को शादी में कोई दिलचस्पी नहीं है, जिस वजह से यहाँ 140,000 महिलाएं ऐसी हैं जिन्हें शादी के लिए पुरुष चाहिए, लेकिन मजबूरी में उनकी शादी हो ही नहीं पा रही, क्योंकि एक तो यहाँ की आबादी बहुत कम है और उसमें भी जो पुरुष हैं, खास तौर पर जो युवा हैं, वो विदेश जा रहे हैं पढ़ने लिखने या फिर काम करने। यहाँ की सरकार खुद विदेशी नागरिकों को अपने देश में बसाने के लिए कई योजनाएं बनाती रहती है, जिसका सबसे बड़ा कारण है कि बाहर के लोग इस खूबसूरत देश में आकर काम करें, यहाँ की महिलाओं से शादी करें, आबादी बढ़ाएं, अर्थव्यवस्था में अपना योगदान दें। इतना ही नहीं, यहाँ तो अगर कोई शादीशुदा जोड़ा बच्चे को जन्म देता है तो उन्हें लाखों रुपए दिए जाते हैं। बच्चे के कपड़े से लेकर खिलौने और पढ़ाई लिखाई का सारा खर्चा सरकार खुद उठाती है। इतना ही नहीं, इसके अलावा एक बड़ी रकम अलग से मिलती है ताकि वो परिवार अपने लिए नया घर खरीद सके। ये देश दुनिया के सबसे खूबसूरत देशों में से एक है, जिसे एक विकसित देश माना जाता है। रहने और घूमने के लिहाज से ये काफी ज्यादा सुरक्षित है, क्योंकि यहाँ क्राइम ना के बराबर होता है। दोस्तों, हम बात कर रहे हैं इस्टोनिया देश के बारे में। ये यूरोप का सबसे शांत, सबसे सुंदर और ऐतिहासिक देश है। जानेंगे इस्टोनिया को गहराई से, लेकिन उससे पहले आपसे प्रार्थना है, वीडियो को एक लाइक करें। इस वीडियो पर अगर 1000 लाइक आते हैं तो हमारी मेहनत सफल रहेगी। दोस्तों, इस्टोनिया एक छोटा सा देश है जो कि उत्तरी यूरोप के हिस्से में आता है। इसके एक तरफ बाल्टिक सागर लगता है, दक्षिण दिशा में लातविया इसका पड़ोसी देश है, तो पूर्व दिशा में रूस इसका पड़ोसी देश बनता है। अगर हम नक्शा देखें तो इस्टोनिया लातविया और फिनलैंड के बीच दिखाई देता है। ये खूबसूरत देश केवल 45,339 स्क्वायर किलोमीटर के क्षेत्रफल में फैला हुआ है, जो क्षेत्रफल के लिहाज से दुनिया में 126वें नंबर पर आता है। यहाँ की राजधानी है टालिन, जो कि बहुत ही ज्यादा सुंदर शहर है। इस देश में ज्यादा लोग नहीं रहते, यहाँ की आबादी महज 13 लाख ही है, और इससे ज्यादा लोग तो भारत के सबसे छोटे राज्य यानी के गोवा में रहते हैं। यहाँ के ज्यादातर लोग ईसाई हैं। आबादी का 70% हिस्सा ईसाई धर्म में यकीन रखता है, जबकि 30% में ऐसे लोग हैं, ऐसी जनसंख्या है जो किसी भी धर्म में यकीन नहीं रखते, यानी के ये नास्तिक हैं। 13 लाख की आबादी में 7 लाख महिलाएं हैं, जबकि पुरुष केवल 5,90,000 ही हैं। 1 लाख महिलाएं पुरुषों से ज्यादा हैं। पिछले कुछ बीते सालों में यहाँ आबादी तेजी के साथ कम हो रही है। महिलाओं को अपना जीवन साथी ढूंढने से भी नहीं मिल रहा। यहाँ इस्टोनिया में मानो पुरुष शादी करना ही नहीं चाहते, या फिर वो दूसरे देश की महिलाओं से शादी कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ के बहुत से पुरुष हर साल काम की तलाश में यूरोप के दूसरे देशों में चले जाते हैं, जिस वजह से पीछे रह जाती हैं अकेली महिलाएं। इस्टोनिया में 30 से 40 साल की महिलाओं की संख्या सबसे ज्यादा है। यहाँ लगभग 3 लाख महिलाएं उम्र के इस पड़ाव पर हैं, लेकिन अभी तक भी उनकी शादी नहीं हुई। इनमें से ज्यादातर महिलाओं को अकेला ही रहना पड़ रहा है, जिस वजह से यहाँ कई महिलाएं ऐसी एप्स या फिर वेबसाइट से दोस्त बना रही हैं, या अपना जीवन साथी चुन रही हैं, जिन्हें वो पहले कभी नहीं जानती थी। यहाँ की बहुत सारी महिलाओं ने इसी तरह अपना जीवन साथी ढूंढा है ताकि वो शादी कर सकें। इसके अलावा यहाँ की सरकार खुद आबादी को घटता देखकर परेशान है और अपने देश के पुरुषों को बाहर ना जाने की सलाह दे रही है, लेकिन ज्यादातर लोग ये बात नहीं मानते, जिस वजह से अब यहाँ उन लोगों को आसानी से रहने की इजाजत दी जा रही है जो विदेश से यहाँ काम करने, व्यापार करने आए हैं। अगर कोई व्यक्ति इस्टोनिया की महिला से शादी करता है तो उसे जल्द ही यहाँ की नागरिकता मिल जाती है, लेकिन उस व्यक्ति को पहले यहाँ की भाषा सीखनी पड़ती है।
कुछ साल यहीं पर रहकर काम करना होता है। उस व्यक्ति का कोई भी खराब रिकॉर्ड नहीं होना चाहिए। अगर ये सारी बातें वो व्यक्ति पूरी करता है तो वो आसानी से यहाँ की महिला से शादी कर सकता है और यहीं पर बस सकता है। इसके अलावा अगर यहाँ कोई जोड़ा बच्चे को जन्म देता है तो यहाँ गर्भवती महिला का सारा खर्चा सरकार खुद उठाती है। बच्चे के जन्म के बाद उनकी देखरेख के लिए माता पिता को हर महीने 60 यूरो यानी के लगभग 5,500 रुपए दिए जाते हैं। बच्चे की देखभाल माँ अच्छे से कर सके उसके लिए उसे 140 दिन की छुट्टियाँ अलग से मिलती हैं। पिता को 30 दिन की छुट्टियाँ दी जाती हैं और इन छुट्टियों के बदले उनकी सैलरी नहीं काटी जाती, बल्कि उन्हें उन छुट्टियों के बदले अलग से पैसे दिए जाते हैं। इस्टोनिया में ज्यादातर लोग इस्टोनियन भाषा बोलते हैं, जो कि फिनिश और हंगरियन भाषा जैसी है। इस भाषा के अपने शब्द और बोलने का तरीका है और इस्टोनियन ही यहाँ की राष्ट्रीय भाषा भी है। इसके अलावा यहाँ पर एक बड़ा हिस्सा रशियन भाषा बोलता है। ये है देश की राजधानी। यहाँ का सबसे आधुनिक, सुंदर और सबसे बड़ा शहर टालिन। ये शहर देश की संस्कृति, अर्थव्यवस्था और इतिहास को दर्शाता है। इस शहर को 13वीं शताब्दी में टियोटोनिक नाइट्स ने बसाया था। क्योंकि ये शहर बाल्टिक सागर से लगा हुआ है तो यहाँ से व्यापार उस समय भी किया जाता था और आज भी। टालिन की ज्यादातर इमारतों में मेडिवल आर्किटेक्ट का डिजाइन देखने को मिलता है। ये देश रहने के लिहाज से काफी महंगा है, मतलब यहाँ हर चीज के लिए पैसे देने पड़ते हैं। अगर किसी को टॉयलेट जाना है या फिर उसे रास्ते में टॉयलेट आ गया तो वो ऐसे ही कहीं पर भी खड़े होकर नहीं कर सकता। यहाँ बस स्टॉप पर, रेलवे स्टेशन्स पर, पार्क में, पब्लिक प्लेसेस पर टॉयलेट बनाए गए हैं, जिसमें टॉयलेट करने पर 24 रुपए देने होते हैं। इतना ही नहीं, यहाँ गाड़ियों को खड़ा करने के लिए पार्किंग के भी काफी ज्यादा पैसे देने पड़ते हैं। यहाँ एक घंटा अपनी कार पार्क करने के लगभग 2.5 यूरो यानी के 226 रुपए देने पड़ जाते हैं। और अगर कोई पूरे दिन अपनी गाड़ी पार्क करता है तो उसे 30 यूरो यानी के लगभग 2,700 रुपए देने पड़ते हैं। ये है राजधानी में मौजूद ओल्ड टाउन। ये पूरी जगह यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स में शामिल है। इस ओल्ड टाउन को 13वीं शताब्दी से 16वीं शताब्दी के बीच बसाया गया था। यहाँ की इमारतों में गॉथिक आर्किटेक्ट, बरूक आर्किटेक्ट और रेनेसेंस डिजाइन देखने को मिलता है। यहाँ की गलियों को छोटे छोटे गोल पत्थरों से बनाया गया है जो देखने में काफी सुंदर लगती हैं। इस तरह की गलियों में पैदल चलने पर लगता है कि हम बहुत पुराने जमाने की सीढ़ियों पर चल रहे हों। ये है देश का सबसे प्रमुख चर्च, जिसे अलेक्जेंडर नेवेस्की कैथेड्रल कहा जाता है। ये राजधानी टालिन में मौजूद है। जब यहाँ रूस का शासन हुआ करता था तब 1895 में इस चर्च को बनाने की शुरुआत हुई थी, जो सन 1900 में आम लोगों के लिए खोला गया। ये चर्च याद दिलाता है रशियन शासन की, जब वो यहाँ पर राज किया करता था। चर्च का नाम भी एक रशियन सैनिक और रशियन पादरी के नाम पर ही रखा गया है। उस सैनिक ने टियोटोनिक नाइट्स के खिलाफ 13वीं शताब्दी में जंग लड़ी थी। चर्च का गुंबद दूर से ही दिखाई देता है, जो काफी बड़ा और भारी है। हर साल हजारों लोग इस चर्च को देखते हैं। जो इस्टोनिया की यात्रा पर जाते हैं वो इस चर्च को जरूर देखते हैं, क्योंकि ये चर्च यहाँ के प्रमुख टूरिस्ट प्लेस में से एक है। इस्टोनिया पर 1940 से पहले जर्मनी का राज हुआ करता था। फिर 24 फरवरी 1918 को इस देश को जर्मनी की गुलामी से आजादी मिली, लेकिन कुछ समय बाद यानी के 1940 में रूस ने यहाँ पर कब्जा कर लिया। और जब साल 1991 में सोवियत संघ टूटा तो इस्टोनिया को फिर से 20 अगस्त 1991 में दूसरी बार आजादी मिली। यही वजह है ये देश एक बार नहीं बल्कि एक साल में दो बार अपनी आजादी का जश्न मनाता है, एक तो 24 फरवरी को और दूसरा 20 अगस्त को। इस्टोनिया में एक आइलैंड है जिसे कहिनू आइलैंड कहते हैं। इस आइलैंड की खास बात है कि यहाँ गिने चुने पुरुष ही रहते हैं और यहाँ पर 95% महिलाएं हैं।
इसीलिए इसे महिलाओं का द्वीप भी कहा जाता है। ऐसा इसलिए है कि ये आइलैंड बाल्टिक सागर में है और द्वीप के सारे आदमी समंदर में काम करने जाते हैं, बड़े बड़े जहाजों में काम करते हैं, सफर करते हैं, वो महीनों तक घर नहीं लौटते। फरवरी से सितंबर तक ये पुरुष बाल्टिक सागर में ही अपना जीवन बिताते हैं, जिस वजह से पूरे आइलैंड पर केवल महिलाएं ही बसती हैं। ये महिलाएं पिछले कई सालों से यहाँ अकेली रहती हैं। इन्हें जंगल जाना पड़ता है, लकड़ियाँ लानी पड़ती है, ये अपने बच्चे अकेले ही बड़ा करती हैं। घर के कामकाज से लेकर बाहर के भी सारे काम इन्हीं महिलाओं को अकेले करने पड़ते हैं। यहाँ की सभी महिलाओं के पास मोटर बाइक है, जिसका इस्तेमाल ये समय बचाने के लिए करती हैं। आइलैंड की मुखिया भी महिलाएं ही बनती हैं। यहाँ पुरुषों का कोई रोल नहीं, इसीलिए इसे महिलाओं का आइलैंड भी कहा जाता है। अगर यहाँ पर कोई मर जाता है तो उसका अंतिम संस्कार की क्रिया भी ये महिलाएं खुद करती हैं। आइलैंड की सुंदरता और यहाँ की महिलाओं की संस्कृति की वजह से यूनेस्को ने इसे अपनी सूची में जगह दी है। इस देश में बहुत ही अजीब तरह के खेल खेले जाते हैं, उन्हीं में से एक है पत्नी को अपने कंधे पर उठाकर दौड़ने की रेस। हर साल जुलाई के महीने में 100 रिजॉर्ट के पास ये रेस कराई जाती है। इसकी चैंपियनशिप भी होती है, जिसे वर्ल्ड वाइफ कैरिंग चैंपियनशिप कहा जाता है। इस प्रतियोगिता में ना सिर्फ इस्टोनिया के जोड़े बल्कि दूसरे देशों के भी जोड़े हिस्सा लेने पहुंचते हैं। इसमें पति को अपनी पत्नी को कंधे पर उठा करके एक तय दूरी तक दौड़कर रेस जीतनी होती है। बीच में पत्नी कंधे से नीचे गिरनी नहीं चाहिए। जो जोड़ा ऐसा सबसे पहले करता है और लाइन को क्रॉस कर जाता है, वो ये रेस जीत जाता है। उस जोड़े को प्राइज, पैसे और ट्रॉफी मिलती है। ये खेल रिश्तों को गहरा बनाने और एक दूसरे पर भरोसा दिखाने का प्रतीक माना जाता है, जो कि इस्टोनिया में बहुत ज्यादा प्रसिद्ध है। लोग इस प्रतियोगिता का भरपूर मजा उठाते हैं, दूर दूर से लोग इसे देखते हैं। इस्टोनिया के लोग नौकरी करना बिल्कुल भी पसंद नहीं करते, बल्कि यहाँ के लोगों को खुद का बिजनेस करने में मजा आता है। यहाँ हर तीसरा इंसान कोई ना कोई खुद का बिजनेस करता है, फिर चाहे वो रेस्टोरेंट खोले, नई टेक्नोलॉजी बनाए, गेम इजाद करे या कोई नई ऐप बना दे, हर कोई खुद का स्टार्टअप शुरू करता है। इसीलिए पूरे यूरोप में सबसे ज्यादा स्वरोजगार वाले लोग यहीं पर देखने को मिलते हैं। यहाँ कई कंपनीज हैं, जिनमें कुछ बड़ी हैं, तो कुछ छोटी हैं, तो कुछ अभी शुरू हुई हैं। लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि इन कंपनीज की शुरुआत करने वाले कोई करोड़पति व्यापारी नहीं है, यहाँ के आम नागरिक ही इन कंपनियों को खोलते हैं और वो ही इन्हें चलाते हैं। इस्टोनिया के लोग काफी एडवांस माने जाते हैं, खास तौर पर टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में। ये बहुत ही जल्दी अनुमान लगा लेते हैं अब लोगों को किस चीज की जरूरत पड़ने वाली है या बाजार में कौन सी नई चीज लोगों को सबसे ज्यादा पसंद आएगी। यही वजह है आज जो स्काइप ऐप पूरी दुनिया में इस्तेमाल करी जाती है, उसे इस्टोनिया में ही डेवलप किया गया था। साल 2003 में पहली बार स्काइप टेक्नोलॉजीज के द्वारा इस ऐप को बनाया गया था, और उस समय तो व्हाट्सएप नाम की कोई चीज भी नहीं थी। इस ऐप के जरिए लोगों के बीच वीडियो कॉलिंग और ऑडियो कॉलिंग की प्रसिद्धि बढ़ी, और केवल इंटरनेट की मदद से लोगों के बीच नई तकनीक इजाद की। ये ऐप इतनी ज्यादा फेमस हुई कि पूरी दुनिया में लोग इसका इस्तेमाल करने लगे, जिसके बाद 2011 में माइक्रोसॉफ्ट ने इस ऐप को खरीद लिया। इसी तरह ट्रांसफरवाइज, बॉल्ट, पाइप ड्राइव और प्लेटेक भी इस्टोनिया में ही इजाद किए गए हैं। दुनिया में शायद ही ऐसा कोई देश है जहां आम लोगों के लिए हर जगह वाईफाई की इंटरनेट सेवा फ्री हो, लेकिन इस देश में ऐसा देखने को मिलता है। यहां कैफेज में, पार्क में, ट्रांसपोर्ट हब में, पब्लिक प्लेसेस पर वाईफाई की सुविधा मौजूद है, जिनकी स्पीड काफी तेज होती है। ये वाईफाई 4G, 5G स्पीड में काम करते हैं। यहाँ ज्यादातर चीजें ऑनलाइन हैं और हर कोई फ्री वाईफाई इस्तेमाल कर सकता है, खास तौर पर घर से बाहर। इससे यहाँ की सरकार को भी बहुत फायदा होता है, जैसे कि लोग अपना वोट
ऑनलाइन ही डाल देते हैं, टैक्स भी ऑनलाइन ही भरे जाते हैं और दूसरी जरूरी चीजें बैंकिंग, पुलिस, सिक्योरिटी, सारी चीजें ऑनलाइन होती हैं। अब जब हर चीज ऑनलाइन है तो इस्टोनिया की साइबर सिक्योरिटी भी बहुत ही ज्यादा मजबूत है, जिससे लोग इंटरनेट इस्तेमाल करते हुए पूरी तरह से सुरक्षित रहते हैं। देश की राजधानी टालिन 2013 में वो पहला शहर बना था जिसने अपने नागरिकों के लिए पब्लिक ट्रांसपोर्ट को पूरी तरह से फ्री कर दिया था, और आज भी इस शहर में किसी को किराया नहीं देना पड़ता। चाहे बस से सफर करो, ट्रैम से सफर करो या फिर ट्रोली से, सब कुछ फ्री है। लेकिन ये सुविधा केवल देश के नागरिकों के लिए ही है। जो सैलानी यहाँ जाते हैं वो अगर पब्लिक ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल करते हैं तो उन्हें टिकट खरीदना पड़ता है। शायद यही वजह है इस्टोनिया में प्रदूषण बहुत ही कम है। लोग ज्यादा से ज्यादा पब्लिक ट्रांसपोर्ट का ही इस्तेमाल करते हैं, जिससे उनके पैसे भी बच जाते हैं और देश में प्रदूषण भी नहीं फैलता। इस देश में एक बहुत ही अनोखा कानून है। अगर आप सड़क पर गाड़ी चला रहे हैं और अगर आपकी गाड़ी की हेडलाइट्स नहीं जल रही तो इसे यहाँ पर जुर्म माना जाता है, जिसके लिए 400 यूरो का फाइन देना पड़ता है, जो भारतीय रुपए में 36,200 रुपए बनते हैं। इसीलिए चाहे दिन हो या रात, यहाँ गाड़ियों की हेडलाइट्स हमेशा चालू रखनी पड़ती है। ये पूरा देश पहाड़ों, जंगलों, नदियों से घिरा हुआ है और देश के केवल 28% हिस्से पर ही यहाँ पर लोग आबाद हैं, जबकि 50% हिस्से पर सिर्फ जंगल ही जंगल हैं और बची 22% जमीन पर यहाँ के लोग खेतीबाड़ी करते हैं। 2022 की रिपोर्ट के अनुसार इस्टोनिया को उन देशों में 8वां स्थान मिला था जहाँ भ्रष्टाचार सबसे कम है। अगर यहाँ कोई 2 रुपए की भी चीज खरीदता है या फिर 1 किलो आलू ही क्यों ना खरीदे, उसे दुकानदार कंप्यूटर से निकाला हुआ पक्का बिल देता है, जिससे लेन देन के बीच कोई भ्रष्टाचार नहीं रह जाता। इसी वजह से यहाँ लगभग हर कोई अपना टैक्स समय से भरता है और लोग भ्रष्टाचार नहीं करते। यहाँ पर पैसे के रूप में यूरो चलता है और 1 यूरो भारत के 91 रुपए के बराबर है। यहाँ एक बहुत ही सुंदर गांव है जिसे जोहवी कहा जाता है। गांव पूरी तरह से प्रकृति की गोद में बसा है। यहाँ पर घर काफी कम हैं, बड़े बड़े घास के मैदान नजर आते हैं। गांव की हरियाली और शांति मन को एक अलग सुकून देती है। गांव के लोग भेड़ पालते हैं और दूध देने वाले जानवर। जब इन्हें कोई जरूरी काम होता है या कोई चीज खरीदनी होती है तभी गांव के लोग शहर की तरफ जाते हैं। इस गांव में जो भी बाहरी व्यक्ति मेहमान बन के आता है उसे बिल्कुल भी यहाँ के लोग एहसास नहीं होने देते कि वो इस गांव का नहीं है। उसे गांव घुमाया जाता है, त्योहार में शामिल किया जाता है, खासतौर पर खाना तैयार होता है ताकि वो मेहमान उनके गांव और उन्हें हमेशा याद रखे। ये देश दुनिया के उन देशों में गिना जाता है जहां महिलाएं और पुरुष को एक समान अधिकार मिलते हैं। महिलाओं को पुरुष के बराबर माना जाता है, फिर चाहे वो खेल का क्षेत्र हो, व्यापार का हो या फिर राजनीति का। यहां अक्सर पुरुषों से ज्यादा महिलाएं आगे निकलती दिखाई देती हैं। यहां का राष्ट्रीय जानवर ब्राउन बियर है जो कि यहां के जंगलों में देखने को मिलता है। इसके अलावा यहां के लोगों को वेरी वॉश खाना बहुत पसंद है, जो कि जानवरों के खून और मांस से बनी एक चटनी की डिश होती है। इसे यहाँ के लोग बड़े ही चाव से खाते हैं और ये यहाँ की नेशनल डिश भी है। ये देश इतना सुंदर और खास है लेकिन रहने और घूमने के लिहाज से ये काफी ज्यादा महंगा है। इसके बावजूद भी यहाँ पर हर साल इतने ज्यादा टूरिस्ट आते हैं कि उतनी इस देश की आबादी भी नहीं है। इस्टोनिया की आबादी तो केवल 13 लाख ही है लेकिन यहाँ सैलानी हर साल 30 लाख की संख्या में पहुँचते हैं। दोस्तों, आप किस शहर या गांव से हमारी वीडियो को देख रहे हैं, अपने शहर का नाम या फिर गांव का नाम कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। तो दोस्तों, अगर आपको वीडियो और इन्फॉर्मेशन पसंद आई तो इसे एक लाइक दें, शेयर करें
और चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर दबाएं, ताकि आने वाली नई वीडियो की अपडेट आपको मिले सबसे पहले। हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, अपना ख्याल रखें।